फिर और आए थे 25-30 जने और थे नीचे सर्वर रूम के अंदर, तो तोड़फोड़ हुई थी, फिर रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ तोड़फोड़ दिया था, गिलास वगैरह। तो हर्षदीप खाचरियावास जो कि तथित प्रताप सिंह जी खाचरियावास मंत्री साहब के भतीजे लगते हैं, प्रताप सिंह और करण सिंह का नाम वो चीख चीख के बता रहे थे, बोला होटल के मालिक को यहाँ बुलाओ, उसको हम उठवा लेंगे। पुलिस हालांकि उस एक आदमी को बचा के ले गई, लेकिन हमें अभी तक अपने स्टाफ की सबकी लोकेशन पता नहीं है, कितने सेफ हैं, कितने सुरक्षित हैं। करण सिंह का बेटा हूँ, प्रताप सिंह खाचरियावास मेरे वो हैं, और तेरे को मैं उठवा लूँगा, तू होटल आ। वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, वो सिंगल बंदा भी ड्रिंक कर रहा था, तो वो जैसे जब वो सिंगल बंदा जाने लगा तो उन लोगों को लगा कि ना वो उनसे थोड़ी बदतमीजी कर रहा है, पर जबकि ऐसा तो था ही नहीं, वो थोड़ा मतलब थोड़ा ऐसे ही वो ड्रिंक कर रखा था। तो वो जब वो जाने लगा तो उन लोगों ने बोला कि क्या है क्या है, तो वो उसने उनको इग्नोर करके हाथ दिखा के चला गया। फिर वो गाड़ी में चला गया, फिर वो दोबारा आया तो ना वो बोला, उसने आके उन लोगों से बोला कि आपने क्या बोला था गुस्से में आके, तो वो लोग बोलते हैं कि तू है कौन बे, तेरा क्या है। तो उसके हाथ में क्या कटर था, सिगार का कटर था बेसिकली, तो उन लोगों को लगा कि ना वो नाइफ निकाला हुआ है। हम लोगों ने उनको बोला, मैं कहा सर ये नाइफ नहीं है, ये सिगार का कटर है, तो वो लोग माने नहीं। तो फिर उन लोगों ने बैल निकाल के ना फिर ना हाथापाई स्टार्ट हो रही थी, फिर हम लोगों ने उनको अलग करके दोबारा बाहर भेज दिया था। फिर बाहर जाने के बाद में वो बंदा चला गया, फिर वो बंदा दोबारा आया, पर हम लोग बाहर खड़े हुए थे हम सब लोग, तो उन्होंने आइस बकेट और पानी की बोतल। ये घटना कितने बजे की है? 10:30 बजे की है सर। 10:30 बजे की है। आपने क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पर हाथापाई करी उन्होंने, उसके साथ और 50 मेंबर और थे। वो मतलब जिस बंदे से हाथापाई की वो कहाँ से थे? वो यहाँ वैशाली से थे। कितने लोग थे वो लोग? वो सिंगल था और वो 5-6 जने थे, उनके बाद में फिर और आए थे, 25-30 जने और थे। मतलब कहाँ पे हुई अपनी लड़ाई? काउंटीन होटल के अंदर। अंदर बार में हुई लड़ाई? जी बार में हुई थी। बाद में कितने लोगों को बुलाया गया मारपीट के लिए? मारपीट के लिए 40-45 मेंबर थे आराम से। तो आपने इन्फॉर्म किया पुलिस को? हाँ इन्फॉर्म किया था, 20-25 फोन कर दिया तो भी फोन नहीं उठाया उन्होंने। लास्ट में फिर फोन उठाया तो 2 मेंबर आए थे वो उनके सामने। पुलिस को फोन करने के बाद में पुलिस कितनी देर में यहाँ पे पहुंची? 15-20 मिनट बाद में आए, और फिर 2 ही जने आए, उनके सामने भी मारपीटी चालू थी। किस थाने की पुलिस थी? वैशाली थाने की। कितने पुलिस लोग आए थे यहाँ पे? 2 मेंबर आए थे। उसके बाद क्या हुआ? उनको आने के बाद भी लड़ाई हुई कंटिन्यू यहाँ पे या कुछ और कुछ हुआ था? कंटिन्यू लड़ाई हो रही थी, 2-3 घंटे लड़ाई चल रही थी यहाँ पर, 2:30 बज गई थी। और तो बस ये था कहना। और बाकी फिर नीचे सर्वर रूम के अंदर तोड़फोड़ हुई थी, फिर रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ तोड़फोड़ दिया था, गिलास वगैरह। बाकी उल्टा सीधा भी बोला गया था, धमकाए भी गया था। क्या गाली गलौज की गई थी? हाथापाई की गई थी? हाथापाई नहीं की, बस गाली गलौज गई थी उन्होंने, और बोला कि साइड में बोले उन्हें तोड़फोड़ देंगे हम। सर वो जो खचरे बाबा के जो थे जो आए हुए थे, तो उन्होंने बदतमीजी। कौन आए हुए थे आपको बताया नहीं उन्होंने रात को? उनके भतीजे बताए, उनका क्या नाम है खातर। कैमरे चेक कराने ले गया था तो कैमरे चेक करा दिया मैंने प्रॉपर उनको, उनके बाद उन्होंने एलसीडी तोड़ दिया। सर कैमरा आपने क्यों चेक करवाया? उन्होंने बोला था कि हमको जो वो गेस्ट ने हमको चाकू दिखाया था तो वो कैमरा रिकॉर्डिंग हमको दिखाओ, वो दिखा दिया। गेस्ट ने चाकू दिखाया था? चाकू नज़र नहीं आ रहा सर हाथ में। अच्छा क्या था उनके हाथ में? कैमरे में नज़र नहीं आ रहा सर, वो ऐसे ही बात कर रहे थे। 4-5-6 लोग आ गए थे सर, मैंने उनको कैमरा चेक करा था, लेकिन वो तोड़ फोड़ कर रहे थे इधर। उन्होंने खुद को मुक्का मार के किसने मुक्का मारा सर? मैं नाम तो जानता हूँ, खाचरियावास के कोई भतीजा बता रहे थे वो। अच्छा उन्होंने मुक्का मार के इसको तोड़ दिया? एक मुक्का मार के तोड़ दिया उन्होंने। और क्या क्या किया? बचाव कर रहा था सिस्टम का। 1 बजे यहाँ पे 1 बजे आए थे कैमरे चेक करने के लिए, मैं खुद 1:15 बजे घर से आया था। बताएं सर कल क्या हुआ था, मुझे सारी डिटेल बताएं चीज़ें। मैं अभिमन्यु सिंह, होटल काउंटीन, हमारा वैशाली नगर में स्थित है। कल रात को हर्षदीप खाचरियावास जो कि तथित प्रताप सिंह जी खाचरियावास मंत्री साहब के भतीजे लगते हैं, और करण सिंह जी उनके फादर का नाम है, ये प्रताप सिंह और करण सिंह का नाम वो चीख चीख के बता रहे थे, और अपने इन पावर का इसका रसूख का बड़ा इस्तेमाल किया इन्होंने। और 10:15 बजे आए तब एक बड़ी शालीनता से आए थे, लेकिन तब भी वो तो मदिरा में थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ दारू पी, और उसके बाद किसी गेस्ट से उनकी कहा सुनने के बावजूद वो फिर गेस्ट के पीछे भागने लग गए। फिर गेस्ट उनके पकड़ में नहीं आया तो उन्होंने आवेश में बोला होटल के मालिक को यहाँ बुलाओ, उसको हम उठवा लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने होटल के लोगों को मारपीट चालू किया, हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करना चालू किया, जो कि सब कैमरे में कैद हुआ है। पुलिस को हमने रात को 100 नंबर फ़ोन करके बुलाया, लेकिन पुलिस भी 25-30 लोग उनके सामने लाचार और बेबस रही।
पुलिस हालांकि उस एक आदमी को बचा के ले गई, लेकिन हम सबको उनके हवाले मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हम बहुत दहशत में थे, हम पूरा होटल हाईजैक था, हम अपनी इच्छा के विरुद्ध, और वो हमारे अंदर बैठे हुए थे, हमारा फ्रंट डेस्क, हमारा सर्वर रूम तक वो अंदर घुस जाए, जो कि रेस्टोरेंट और रिसेप्शन एक गेस्ट का एरिया होता है, लेकिन सर्वर रूम जो कि एक होटल का बहुत ही अंदर का अंग होता है जो किसी को मालूम, उसके अंदर भी वो सबूत मिटाने के हिसाब से उतार खींचने का प्रयास किया। हमारी एक टीवी तोड़ दी गई है, लोगों को मारा गया है और लोगों को जान से मारने की धमकी, मेरे अभी भी कई स्टाफ भाग चुके हैं, कई कई अभी वो किसी न किसी के द्वारा उनको उठाया जा रहा है। हमें अभी तक अपने स्टाफ की सबकी लोकेशन पता नहीं है, कितने आज सेफ हैं, कितने सुरक्षित हैं। मैं खुद बहुत दहशत में और उसमें घूम रहा हूँ, तरह तरह की धमकियाँ मिल रही हैं, तरह तरह के वो दबाव बनाए जा रहे हैं मुझे राजीनामा करने पर। मैं कानून व्यवस्था इस राज्य पे बहुत विश्वास रखता हूँ, अशोक गहलोत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि इस पे एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और होटल सारे व्यवसायी हैं वो सब, उन सबको संरक्षण दिया जाना चाहिए। हम एक यहाँ पे व्यापार करने बैठे हैं, हम हाल सबकी यहाँ पे अपना तरीके से टैक्स भरते हैं, व्यापार चलाते हैं, लेकिन हमें अगर कानून व्यवस्था से भी हमें प्रोटेक्शन नहीं मिले और हमारे स्टाफ पे 25-30 लोग हावी होकर बैठे रहे, बिना बिल दिए दारू पी रहे हैं, जा रहे हैं और अपने रसूख का इस्तेमाल करते रहे, तो इस तरह से सरकार में हमें रहना। पुलिस आई थी, तो पुलिस आने के बाद भी क्या हुआ? पुलिस आई लेकिन पुलिस का जो वो थोड़ा लीपापोती सा एक वो रहा कि उन्होंने उसको बड़ा एक रसूख वालों को काफ़ी इज्जत दी और एक पार्शियल सा बिहेवियर रहा उस गेस्ट को, हालांकि उन्होंने बस बचाया, उसके लिए मैं पुलिस को कहता हूँ। लेकिन पीछे से हमारी होटल और हमारी प्रॉपर्टी का कोई प्रोटेक्शन नहीं था। मैं गुहार लगाता रहा हूँ उनसे कि प्लीज़ आइए, मेरे स्टाफ अकेले हैं, डरपोक लड़के, मेरे स्टाफ को कोई भी कुछ भी कहा, तकरीबन 25-30 लोग थे और बहुत सारे यहाँ पूरा गाड़ियों का हुजूम हो गया था और पुलिस को दो लोग आए, उसके बावजूद ही पुलिस के पास 2 घंटे थे, पुलिस कम से कम 5-7-10-20 आदमी बुला सकती थी उनको देखते हुए, उनके उनके रुख को देखते हुए, कड़े रुख को देख के बुला सकती थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों को रहा, ना उनके सामने हमारा स्टाफ जा रहा है कि सर ऐसा हो रहा है, उनके स्टाफ के सामने हमें मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग करके हमको भगाया गया, तब भी पुलिस के सामने उनकी हिम्मत और एकदम बेखौफ थे वो लोग, जैसे कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। और फिर उन्होंने रात को 3:30 बजे मेरा नंबर लेके मुझे फ़ोन किया कि मैं करण सिंह का बेटा हूँ, प्रताप सिंह खाचरेवास को मेरे वो हैं और तेरे को मैं उठवा लूँगा, तू होटल आ। मैंने बोला कि साहब एफआईआर में मेरी एफआईआर में एफआईआर लेके गया हूँ, मेरी एफआईआर नहीं की जा रही है, मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल मैटर है, मेरे को अभी बहुत, मैं सी आई साहब से मिला, मेरी बात हुई, लेकिन वो उन्होंने मेरे को नज़रअंदाज किया इस बात से कि नहीं ये पॉलिटिकल मैटर है, आप आगे जाइए। मैं आगे भी जाके आया, एसपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, हर जगह जाके आया। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लेकिन अभी भी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ और बहुत मेरा स्टाफ काफ़ी डरा हुआ है, काफ़ी स्टाफ अभी इधर उधर है, उनको उनके बारे उनको सुरक्षा देना मेरा सबसे पहला, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो गुजारिश है अशोक गहलोत साहब की सरकार से कि हमें संरक्षण दिया जाए, हम होटल व्यवसायी जितने व्यवसायी सब बहुत आहत हैं इस चीज़ से, सब बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, स्टेट में कानून व्यवस्था ऐसी रही और मंत्री के लोग आकर शराब पी के लोगों से मारपीट करेंगे खुलेआम कैमरे के सामने, लोगों के सामने, तो ये बहुत ही दुखद है। बयान बदलने पर दबाव बनाया जा रहा है, एक एक को अलग अलग करके किसी न किसी तो बेला फुसला के बुलाया जा रहा है और उनको अलग अलग जगह कमरों में बंद करके उन पर बयान बदलने का दबाव किया जा रहा है कि कल यहाँ कुछ नहीं हुआ, लेकिन बयान कितना भी बदला जाए जो कैमरे के सामने का जो सच है उसको कोई नहीं बदल सकता है। लोगों की बोली आप बदल सकते हैं दबाव से, डर से, लेकिन कैमरा सच बोलता है और ऐसा ही माहौल है। अभी हम बिल्कुल बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। बताएं सर क्या हुआ? आप जो एफआईआर कराई सुबह से वो कह रहे थे कि एफआईआर नहीं हुई है, अभी तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एफआईआर जैसे ही परिवादी ने थाने पे एफआईआर दी, तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मैं पीटा से बात हुई थी, मालिक बोले कि हम सुबह से आए हुए हैं और नहीं, थाने पे फ्री रजिस्ट्रेशन है और जो भी तरह की जो भी एफआईआर आती है तुरंत प्रभाव से कॉग्निजेबल ऑफेंस की घटना घटित होने पे एफआईआर दर्ज की जाती है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। अभी क्या है आगे का? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एफआईआर में जो फैक्ट है उन पर अनुसंधान किया जाएगा और जैसी साक्ष्य प्राप्त होगी जो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, क्या हुआ आपके साथ? मैं अभी सिंह होटल काउंटी वैशाली नगर में स्थित है, मैं उसका मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ एवं मालिक हूँ। कल रात को 10:15 बजे हर्षदीप खाचरेवास, जो कि करण सिंह खाचरेवास के सुपुत्र हैं और प्रताप सिंह खाचरेवास मंत्री कांग्रेस सरकार के भतीजे हैं, 5-6 लोग नशे में चूर कल होटल पर पहुँचे 10:15 बजे के आसपास। फिर 10:40 पर मेरे को फ़ोन आया, मैं चूँकि शहर के बाहर था, मेरे पर फ़ोन आया कि सर ये लोग प्रताप सिंह खाचरेवास का नाम ले रहे हैं और बड़े ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत अग्रेसिव हैं। तो मैंने पूछा कि क्या मैटर हुआ है, तो मैटर ये हुआ था कि कोई बगल में कोई गेस्ट बैठा था, उनसे उनकी कोई झड़प हो गई थी,
वो झड़प होने के बाद वो उस गेस्ट का कमरा नंबर पूछने लगे, बोले हम एक एक कमरा खुलवाएंगे होटल का, जो कि हमारे लिए होटल पॉलिसी, होटल की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, गेस्ट की सेफ्टी, तो इसलिए हमने उनको ये सब चीज़ें शेयर नहीं करी। हमने फिर उन्होंने अपने मालिक के मेरे नंबर मांगे कि आपके मालिक के नंबर दीजिए, होटल स्टाफ ने उसके लिए भी मना कर दिया कि जी सर ये हमारे लिए, हम नहीं दे सकते इसको। फिर मैंने उनको फ़ोन पे कहा था मेरे स्टाफ को कि आप उनसे ऐसा कह दीजिए कि हम कल आएंगे, कल उनसे मिल लेंगे, और फोन जो भी कुछ झड़प हुई है उसके बारे में कोई भी जांच एजेंसी को कोई भी सहयोग चाहिए होगा वो हम तब तक प्रोवाइड करेंगे उनको। उसके बाद वो गुस्से में आ गए और उन्हें 20-25 लोगों को बुला लिया गया, एकदम से सब लोग वहाँ पे हुजूम आ, लड़कों का हुजूम लग गया। उसके बाद वो हमारी होटल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने लग गए, हमारा फ्रंट डेस्क हाईजैक हो गया, हमारा रेस्टोरेंट हाईजैक हो गया, हर तरफ लड़के ही लड़के हो गए, कोई क्या तोड़ रहा है, उन्होंने सामने ही हमारे पूरे ग्लास तोड़ डाले, पूरे स्टाफ को डरा के लगा, कोई कुछ ना बोला तो उसको काट डालेंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया। फिर हमने पुलिस को 100 नंबर पे फ़ोन करके बुलाया तो दो ही सिर्फ आदमी आए, और वो दो वैसे भी उन 25-30 आदमियों आगे काफ़ी बेबस नज़र आ रहे थे, और उन्होंने वो फिर उस गेस्ट को ढूंढा जिस गेस्ट से इनकी झड़प हुई थी, और वो 25 लोग पुलिस के सामने ही उनको मार रहे थे जो कि कैमरे में कैद है। तो उसके बाद पुलिस उनको कुछ नहीं करी, बस उस लड़के को कुर्सी मुश्किल से बचा के ले गई, और वो सारे 25 दरिंदे हमारे होटल पे मौजूद रहे सुबह 3-4 बजे तक, हमारे से कभी दारू लेते, कभी खाना लेते, कभी और बिना बिल पे किए सब कुछ होटल की चीज़ें इस्तेमाल करते हुए। फिर उनको अंत में किसी ने सलाह दी कि नीचे सर्वर रूम होता है, उसमें सारे कैमरे की चीज़ें कैद होती हैं, तो वो उनको जाके तोड़ने पहुँच गए, उसका तार निकालने पहुँच गए, उसकी टीवी को तोड़ भी दिया गया जो कि फ़ोटो में अंकित है। बड़ी मुश्किल से हमने हाथ पांव जोड़ के कैसे कैसे उस एविडेंस को बचाया है, एविडेंस को बचा लिया, लेकिन अब वो एविडेंस हमारे एज FIR दर्ज नहीं हो पा रहा है। सुबह से हम हैरेसमेंट पर जूझ रहे हैं, हर तरह के फ़ोन आ रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, हर प्रशासनिक तरह से हमें दबाया जा रहा है कि साहब ये देख लो सरकार है, सरकार के लोग हैं, आप व्यापार नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारे पास दोबारा मत आना, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो काफ़ी दहशत में वो लोग जींस करे थे। फिर वो गाड़ी